हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सिंपल एंड बेस्ट मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी देखेंगे, कैसे वर्क करना है, कैसे ट्रेड लेना है वो देखेंगे, और फेक सिग्नल से कैसे बचे वो भी देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और क्या है कि हम इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ नॉलेज लेना है, कुछ जानना है, तो सिंपल सा तरीका है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। पहले देख लेते हैं मूविंग एवरेज क्या है। तो अगर ये जो वैल्यू है, आप इसे क्या है कि वन डे गिन सकते हो या वन आवर के, जो भी है, जो भी एक कैंडल है, जितने के भी हो उसका क्लोज देखना है। तो चलो मान लेते हैं पहले दिन है 20 पे क्लोज हुआ, दूसरे दिन 22, 20, 18, 20, 23, 25, 27, जितने भी ये है वो क्या है कि पहले इसका सम होता है। मतलब चलो मान लेते हैं इसका सम जो भी आया हो उसको डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। क्यों 10 क्यों किया मैंने, क्योंकि मान लेते हैं आप जहां वो पीरियड डालोगे वो उतनी कैंडल लेगा, उसकी एवरेज निकालेगा। तो ये 10 है तो मैंने इसको डिवाइडेड बाय 10 किया, तो ये इसका क्या करेगा, एक एवरेज निकालेगा। तो ये हो गया एवरेज, नॉर्मल एवरेज। अब देखते हैं मूविंग एवरेज क्या है। तो इन सिंपल देखो, ये 28 है, उसके नेक्स्ट डे ओपन होगा, उसका क्लोज आया 30, तो ये क्या करेगा, 20 को निकालेगा, इधर 30 को ऐड करेगा, बाद में इसका जो पिछला ट्रेन है उसका क्या है कि एवरेज निकालेगा। ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये क्या है कि आगे बढ़ती जाएगी। तो ये क्या है कि एक लाइन बनती है आपके चार्ट के ऊपर। तो ये था सिंपल समझने का तरीका। तो मूविंग एवरेज कैसे वर्क करती है, इन सिंपल, जितना पीरियड डाल रहे हो, आपने मान लिया 20 डाला तो वो पिछले 20 कैंडल की एवरेज निकालेगा, बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वो पिछली 20 कैंडल की एवरेज आगे आगे लेते जाएगा। तो ये हो गया मूविंग एवरेज वर्क कैसे करता है। अभी देख लेते इसके कौन से टाइप है वो सब। तो नॉर्मली हम जो यूज करें वो दो मूविंग एवरेज की यूज करें, नॉर्मली हम सिंपल मूविंग एवरेज यूज करें और दूसरी एक्सपोनेंशियल हम यूज करते हैं। तो नॉर्मली हम क्या कि ये दो ही यूज करते, तो ये दो ही इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी ये इस पे वर्क कैसे करना है, इसको ऐड कैसे करना है, इस पे कहां से फॉल सिग्नल आते हैं वो सब देखते हैं। और देख लीजिए मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है वो लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये आपको थोड़े लेट सिग्नल देगा, लेकिन आप इसमें एक अच्छी तरह से वर्क करने का तरीका जान गए, उस पे वर्क कैसे करना है वो जान गए, तो आपको एक बढ़िया सा प्रॉफिट दिला के ये जाएगा। तो पहले हम सिंगल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखेंगे, मोस्टली हम एक्सपोनेंशियल पे ही वर्क करते, बाद में हम क्रॉसओवर पे वर्क कैसे करना है वो देखेंगे। तो पहले इसको ऐड कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो ऐड करने के लिए जहां आपके इंडिकेटर आते हो वहां आपको जाना है, वहां आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। जैसे ही मूविंग एवरेज आ जाए आपको उस पर क्लिक कर लेना है, बाद में आपको पीरियड डालना है। अगर आपको सिंगल पे वर्क करना है तो आप 20 इधर डाल सकते हो, बाद में अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन हम 20 पे वर्क करते हैं अगर सिंगल चाहिए तो। बाद में इधर सिंपल है वहाँ एक्सपोनेंशियल कर देना, अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, बाद में उसको डन कर देना, और कोई सेटिंग में चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये हो गई आपकी एक मूविंग एवरेज लाइन, चार्ट पे आपको दिख रही है कि एक लाइन आ चुकी है। अभी इस पे वर्क कैसे करना, जब भी आपका चार्ट है वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करके अबव जाए तब आपको बाय करना है, क्रॉस करके नीचे आए तब आपको सेल करना है। ये हो गया नॉर्मल तरीका, लेकिन आपको इसमें फेक सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो इस पे कैसे वर्क करना है वो देख लेते। तो नॉर्मल बात है, देखो ये इधर से ऊपर गया, बाद में देखो इधर ये नीचे आ गया, लेकिन बाद में फिर से ऊपर चला गया, तो ये हुआ आपका फेक सिग्नल। बाद में इधर देखो ऐसे भी एक फेक सिग्नल, में देखो ये हुआ प्रॉपर क्रॉस ओवर, बाद में थोड़ा ऊपर आया लेकिन बाद में नीचे चला गया। तो ये थोड़ा क्या है कि आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, बाद में उसमें वर्क करना है। तो कंफर्मेशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो कि जैसे ये कट करके नीचे आए उसको थोड़ा वेट करना है, ऐसे ही नहीं लेना है एंट्री, वेट करने, बाद में थोड़ा ये ऊपर जाके नीचे जाता है तब आपको लेना है। अगर आपको सडनली एक मूव मिलता है तब आप ले सकते हो, लेकिन हो सके तो वेट कीजिए, थोड़ा रिट्रेस होने दीजिए, बाद में फिर से ये अपनी लाइन के आसपास से आए तब इसको सेल कीजिए। देखो ये नीचे गए, बाद में लाइन के आसपास से आए नीचे आए, बाद में लाइन के आसपास से नीचे आए, बाद में लाइन के आसपास से आया नीचे। और देखो ये मूविंग एवरेज वो आपको बहुत सारे फेक सिग्नल भी देता है, लेकिन आपको एक बार उसको समझना पड़ेगा, आपको उस पर प्रैक्टिस करने पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। ऐसा ही नहीं होता है कि ये वीडियो देखा आपने मूविंग एवरेज लगा दी और प्रॉफिट करने लगोगे, नहीं, आपको उसको समझना पड़ेगा, आपके उसको कैसे वर्क करना है वो जानना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपको आइडिया आता जाएगा। और मेन बात, जब मार्केट क्या है कि कंसोलिडेट हो तब मूविंग एवरेज को अवॉइड कीजिए। क्यों, क्योंकि अभी देखिए अब थोड़े आगे जाते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए अभी ये मार्केट कंसोलिडेट जोन में आ चुका है,
तो आपको क्या मिल रहा है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो आपको इसमें करना क्या है, जैसे ही आपको सिग्नल देता है, चलो इधर से बाय सिग्नल दिया, तो पहले आपको क्या है कि चलो ये नीचे भी आ गए तो एक था कि नहीं अपसाइड जा सकते, लेकिन थोड़ा आगे जाते तो वही रेंज में फंसा पड़ा है। आप इधर हाई देखे तो यही हाई को क्या है कि आजू बाजू ही लगा रहता है, तो आपको इसमें थोड़ा मुंह चाहिए। जैसे इधर था, इधर डाउन साइड है बाद में ऊपर है, तो आप इसको कंसोलिडेट मार्केट नहीं कह सकते। आपके मूविंग एवरेज के आसपास ही कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो ये कंसोलिडेट मार्केट हो गया, तो आपको उसमें एंट्री नहीं लेनी है, वेट करना है। जब भी आपको प्रॉपर ब्रेकआउट मिले, फिर से आपको कोई सिग्नल मिले, तब आपको लेना है। बाद में देखो ये ऊपर निकल गया, इधर हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज थी, उसने वहां क्या किया कि वहां सपोर्ट लेके नीचे आ गया, बाद में देखो इधर फिर से प्रॉपर ब्रेकआउट, नीचे गया, फेक ब्रेकआउट। इसको आप फेक ब्रेकआउट बोल सकते हो क्योंकि वेट करोगे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि फेक ब्रेकआउट है या नहीं, तो वेट करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं होता कि जैसे ही ब्रेकआउट दिया ले लिया, जैसे ही ब्रेकडाउन दिया ले लिया, वेट करोगे तो आपको प्रॉपर आइडिया आएगा। तो इधर क्या है कि ये प्रॉपर था, तो ये देखो ऊपर गया नीचे आएगा फेक ब्रेकआउट, बाद में आगे देख रहे हो तो देखो नीचे ऊपर, मतलब एक डाउन ट्रेंड इधर से स्टार्ट हो चुका था। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ आपको एंट्री लेनी, कहाँ आपको एग्जिट होना है। तो ये हो गई सिंगल मूविंग एवरेज। थोड़ा डिफिकल्ट है सिंगल पे वर्क करना, लेकिन आप क्रॉस ओवर पे वर्क करते हो थोड़ा इजी हो जाएगा कंपेयर टू सिंगल, तो वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि हम जो पॉइंट है वो दिखा देते। अगर आपको इसमें प्रॉपर ट्रेड चाहिए, एक क्या है कि ट्रेंड वाइज ट्रेड चाहिए, तो उसमें क्या कीजिए आप 200 दिन का मूविंग एवरेज लगा दीजिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज एक अच्छा ट्रेंड फाइंडर है। आप इसे नॉर्मल अगर आपको ट्रेंड फाइंड करना है तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज सबसे अच्छा है। अगर ये इसके ऊपर मिलता है तब बाय साइड की पोजीशन लीजिए, इसके नीचे मिलता है तब सेल साइड की पोजीशन लीजिए। अगर ऊपर है तो बाय साइड लीजिए, सेल साइड ऊपर मत लीजिए, उसके नीचे है तब भी सेल साइड लीजिए। तो अगर आपको एक ट्रेंड में एंट्री लेना है तो ये सबसे अच्छा ट्रेंड फाइंडर है 200 दिन की मूविंग एवरेज, तो उस पर भी वर्क कर सकते हो। सिंपल है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इधर से ये बाय साइड दिया, 200 के ऊपर था तब हमने लिया, थोड़ा नीचे आया इधर फेक ब्रेकआउट, ऊपर गया, देखो इधर प्रॉपर ब्रेकआउट है लेकिन हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 200 दिन के ऊपर था। हाँ स्टार्टिंग में ऐसा करो, बाद में जैसे आगे जाओगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, कौन सा प्रॉपर ब्रेकआउट है, कौन सा प्रॉपर नहीं है, फेक है, वो सब। तो देखो इधर से नीचे आ गया, बाद में वेट करो, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से हमारी लाइन के नजदीक आ गए और नीचे जा रहा है, तो इधर से एंट्री लो आप सेल की, तो एक आपको ट्रेंड में मिलेगा कि नहीं अभी 200 के नीचे आ गए तो एक ट्रेंड में, मतलब डाउन ट्रेंड जा सकता है। बाद में देखो नीचे, बाद में थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिला, बाद में 200 पे ही रेजिस्टेंस लेके नीचे चला गया, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अभी देखो ये कितना अच्छा मुंह दिया, ये देखो इधर से रेजिस्टेंस लिया, तो बाद में इधर आप ब्रेकआउट पे भी ले सकते थे क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये अभी रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, ब्रेकआउट भी दिया है सिंगल पे, तो आप एक क्या है कि छोटा सा स्टॉप लॉस रख के बहुत बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दो, आप इधर से नीचे की साइड एंट्री लो, तो देखो कितना अच्छा आपको मुंह देखने को मिला है। ये सब ऐसे ही नहीं होता, आपको देखने में ये सब इधर अच्छा लगे, लेकिन जब आप लाइव में जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आप बोलोगे यार तू बता रहा है ये लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तब कुछ होगा, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे वर्क कैसे करना है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं पता चलेगा, तो कैसे आप मतलब इसमें प्रॉफिट निकाल सकोगे। तो नॉर्मल बातें जो इधर बता रहे हैं उसको पहले प्रैक्टिस करो, बाद में देखो ये उधर से ऊपर आया 20 के अबो निकला, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हमारे 200 दिन की मूविंग एवरेज के अबो प्रॉपर नहीं निकल जाता तब तक हम नहीं कुछ करेंगे। देखो ये पहली बार जो था परसों, तो उधर इसने फेक ब्रेकआउट देके नीचे आने का साइन दिया था, लेकिन देखो ये मूविंग एवरेज के नीचे ही नहीं आ पाया तो हम ऐसे सेल भी नहीं ले सकते, समझ गए। अभी ये ऊपर जा रहा है तो एक बार ये ऊपर प्रॉपर निकल जाए, बाद में थोड़ा रिट्रेस करके हमारी लाइन के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर जाए तब ट्रेड लो। आपको समझना पड़ेगा मार्केट कैसे वर्क कर रहा है, बाद में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकोगे। तो ये थी हमारी सिंगल मूविंग एवरेज लाइन। अगर आपको इसमें थोड़ा वर्क करना डिफिकल्ट लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे, उसमें क्रॉस ओवर पे एंट्री लेंगे। तो उसके लिए आपके कौन कौन से सेटिंग होंगे, तो उसके लिए आपको 21 की मूविंग एवरेज चाहिए और 13 की मूविंग एवरेज चाहिए। तो हमने क्या किया, 21 एंड 13 की यानी कि 13 की मूविंग एवरेज लगा लिए। तो इसमें वर्क कैसे करना है, जब भी हमारी 13 मूविंग एवरेज जब कट करके ऊपर जाए तब बाय करना है, जब कट करके नीचे आए तब सेल करना है। कट करने का मतलब 21 को कट करके नीचे आए, 21 को कट करके ऊपर जाए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो समझ में आ गया होगा आई होप। तो अगर आपको इसमें वर्क करना है तो नॉर्मल वही है, जब भी क्रॉस ओवर दे तब बाय या सेल करना है। तो आप देख रहे हो इधर सेल का सिग्नल दिया बहुत अच्छी तरह से नीचे है, बाद में आप देख रहे हो कि इधर से इसने बाय का सिग्नल दिया लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं आ रहा है,
बाद में फिर से सेल का दिया, नो डाउट एक अच्छा मूव मिला, बाद में बाय कर दिया, नो डाउट इसने कोई फेक सिग्नल दे दिया। तो इस पे भी फेक सिग्नल देखने को आपको मिलते हैं, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है वो आपको देखना है। समझ गए मेरी बात? तो आपको इसमें करना क्या है, तो सिंपल है, 200 की मूविंग एवरेज लगाओ और उसके ऊपर मिलता है तो बाय करो, नीचे मिलता है तो सेल करो। तो देख लेते हैं अब, देखो ये 200 दिन की मूविंग एवरेज, इसके नीचे मिलता है तब भी हम सेल करेंगे। देखो ये सेल किया, बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। देखो इधर से फिर से नीचे आया तो एक आपको सडनली डाउनफॉल मिला, बाद में ऊपर आ रहा है तब ये क्या कर रहा है, थोड़ा क्या एक कंसोलिडेट टाइप कर रहा है। बाद में देखो इधर से आपको ये नीचे आया तो हाँ इसमें हो जाता आपको, चलो इसमें कोई दिक्कत आ जाती कि चलो इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता, क्योंकि नहीं डाउनफॉल मिला लेकिन उतना नहीं मिला, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाद में देखो ये ऊपर गया, नहीं लेंगे भले ही ये कितना अच्छा दे दे, लेकिन बाद में देखो इधर से आपको ने सेल किया तो एक डाउनफॉल अच्छा मिला। देखो ऊपर गया थोड़ा सा ही गया, बाद में देखो इधर क्या कर रहा है, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के लाइन ये क्या कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है, मतलब उसको टच करके नीचे आ जा रहा है, टच करके नीचे आ जा रहा है, टच करके नीचे आ जा रहा है। तो ये भी आप मान सकते हो कि वो उसका रेजिस्टेंस है, उसको मतलब ऊपर नहीं जा सकता। हाँ अगर चला गया तब बाय में आ जाएंगे, तब तक हम सेल में ही रहेंगे। तो आप देखो इधर क्या किया, नीचे आया बाद में इसने क्रॉस ओवर दिया तो आपको एक अच्छा मूव मिला, फिर से ऊपर गया कोई दिक्कत नहीं, 200 के आसपास से फिर से नीचे, फिर से क्रॉस ओवर दिया, बाद में देखो एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है। तो आपको बहुत कम मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे, टाइम भी लगेगा मिलने में लेकिन अच्छे ट्रेड मिलेंगे। कोई कोई ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपके पिछले 10 स्टॉप लॉस को सिंगल ट्रेड कवर कर लेगा। बाद में देखो ये इधर से ऊपर आया, नो डाउट हम कुछ नहीं करेंगे, 200 दिन के ऊपर निकल चुका, अब हम बाइंग की सोचेंगे, अब हम सेलिंग की नहीं सोचेंगे, जब हमें क्रॉस ओवर दिखे तब लेना, ऐसा ही नहीं कि ऊपर आ गए तो ले ले। ओके तो देखो ये नीचे आया कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे। बाद में इधर देखो 200 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बाय करते, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, निकल जाते। बाद में नीचे आते तो फिर से ये नीचे आ गया लेकिन क्रॉस ओवर कोई देखने को मिला नहीं है। हाँ वो ऊपर से क्रॉस ओवर था वही उसमें आ चुका था लेकिन क्रॉस ओवर बाद में कुछ नहीं दिखने को मिला, तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आएंगे नीचे आएंगे। देखो इधर से आपने सेल किया होता तो आपको छोटा सा प्रॉफिट मिल चुका होता, बाद में फिर से ऊपर आ गया, फिर से हम बाइंग में आएंगे, जब क्रॉस ओवर दे तब नीचे आए। ओके देखो इधर ये आपको फेक सिग्नल मिला, मिला फेक सिग्नल, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेना है क्योंकि 200 के ऊपर था इसीलिए नहीं ले रहे। बाद में बाइंग सिग्नल आया, बाइंग सिग्नल लिया, देखो कितना अच्छा मूव अभी तक चल रहा है। देखो ये क्रॉस ओवर नहीं हुआ था, पास आके ऊपर निकल चुका है, क्रॉस ओवर नहीं हुआ था। देखो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड आपको मिला, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से क्रॉस ओवर हो चुका, नहीं लेंगे क्योंकि हमारी 200 की मूविंग एवरेज के अबव तो नहीं लेंगे, बाय सिग्नल आएगा तब लेंगे। बाद में देखो इधर फिर से बाइंग आया तो बाइंग में ये कंटिन्यू हम करेंगे, तो अभी तक ये बाइंग चल रहा है। इन सिंपल अगर आपको मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर से प्रॉफिट निकालना है तो पहले डिसिप्लिन फॉलो करनी पड़ेगी। पहली डिसिप्लिन क्या है कि 200 की मूविंग एवरेज अगर मेरे को इसके ऊपर क्रॉस ओवर पॉजिटिव मिलता है तब मैं बाइंग में जाऊंगा, अगर मेरे को ये 200 की मूविंग एवरेज के बिलो मिलता है तब मैं ओनली सेलिंग जाऊंगा। स्टार्टिंग में इंट्राडे के लिए इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में हम इसकी स्ट्रेटेजी भी हमारे चैनल पे ऐड करेंगे तो उस पर आप इंट्राडे पे वर्क कर सकते हो। ये क्या है, ओनली स्विंग ट्रेडिंग या क्या है कि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए है, ना कि इंट्राडे के लिए। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ ये इंट्राडे के लिए नहीं है, तो आपको इसमें थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब 1 आवर्स 2 आवर्स उस पे थोड़ा वर्क कीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नो डाउट अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो ऑन मूविंग एवरेज। अगर आपको इसमें वर्क करना है तो आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। अगर कुछ नहीं पता चल रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये सब मिसिंग है, तो आप एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, अगर प्रॉपर समझ में आ जाए तभी आप इसे ट्रेडिंग में यूज कीजिए। और ट्रेडिंग में यूज करते समय थोड़ा डिसिप्लिन रखिए, ऐसे ही हड़बड़ी में ट्रेड ना लीजिए, थोड़ा ट्रेंड कंफर्म, थोड़ा पक्का क्रॉस ओवर होने के बाद ही एंट्री लीजिए। तो ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे, सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे अभी सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी भी ऐड करेंगे और बाद में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो प्राइज एक्शन भी ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करनी है, कुछ नॉलेज लेना है, तो सिंपल सा तरीका आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।